हेलो दोस्तों, मैं हूं सुवीर और आप देख रहे हैं सुवीर सीमेंट आर्ट चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें और मैं आपको अच्छा अच्छा जानकारी देता रहूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 40 mm और 32 mm का जो फर्मा बनाते हैं आप, कई बार तो आप इसको दो टुकड़े में डिवाइड कीजिए, जिस तरह ये यहाँ पे इस तरह से जो है। अभी दो टुकड़ा बना, अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये इस तरह का जो ये रेसा रेसा बना हुआ है, इसको साफ़ करने के लिए आपको जो है इसको दीवार पे रगड़ना पड़ेगा। दीवार पे रगड़िए या नहीं तो रेगमाल से जो है इसको साफ़ कीजिए, और थोड़ा इसको ये जो ज़्यादा मोटाई देख रहा है दीवार पे घिसने के बाद जो ये थोड़ा कम मोटा होगा, तो इसको सफाई भी देना है, तभी आप मसाले पे जो है इसको घसेंगे तो सफाई आएगा, नहीं तो ये इसकी वजह से जो है खुरदरा हो जाता है। ये जो देख रहे हैं ये सामने में जो मसाला लगा हुआ है इसके वजह से भी ये खुरदरा नज़र आता है, इसको जो है आपको पूरा ध्यान देना है। ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, देख रहे हैं आप। और इसको जो है आसानी से बनाने के लिए कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो इस पर मैं बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको सही से बता देता हूँ कि किस तरह आप बनाएंगे। कई बार आप लोग कमेंट कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, सिर्फ पूछते रहते हैं कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो ये देख लीजिए, ये तो आसान से नहीं बनी, ये होगी आपको ये मेखा है, कील भी बोलते हैं इनको, ये देख लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस साइज़ का देने के बाद आप जो है एक लकड़ी का टुकड़ा इस साइज़ का, जैसे अब देख रहे हैं मैं बना बनाया बता देता हूँ, ये भी बना हुआ है, ये देखिए ये लकड़ी है, ये देखिए इसके अंदर मैंने कील भी लगा चुका हूँ, ये कील है, ये कील है, दो कील है, कोई 6 इंच का साइज का है ये बना हुआ। सफाई देने से ये होगा कि आप अगर मोल्डिंग गोला खींचेंगे रिंग बनाएंगे तो साफ़ होगा ये। कई बार लोग क्या करते हैं इसमें वो नहीं लगाते हैं लकड़ी का, वो नहीं लगा के सिर्फ इसको मसाले पे देकर इस तरह करते हैं, उसमें हाथ ज़्यादा फटने का डर होता है। अगर आप इसमें एक ये लगा देते हैं पकड़ने वाले डंडे, ये चीज़ तो इनसे होगा कि आपका हाथ भी सही रहेगा, हाथ भी नहीं कटेगा सीमेंट से, फटेगा नहीं और सेफरेट भी होता है, काम करने में भी आसानी हो जाता है ये, तो इसलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगा दिया आप, ये तो आपको 40 mm का हो गया, रिंग भी बनाइए इससे और मोटा गोला भी लगा सकते हैं जो साइड कोने में हम लोग लगाते हैं, ये हो गया आपको। और ये देखिए बनाइए इसको आसानी से, कोई भारी काम नहीं है सर, जो भी भाई ये वीडियो को देख रहे हैं बनाने के लिए, कोई ये कील हो गया, कील इसमें लगा के और इस तरह उल्टे करके सीधी देख लेनी है, और उसके बाद ये इसके ऊपर जो है लगा देना, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप बनाएंगे तो लकड़ी नहीं लकड़ी पे ही ठोकना है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह बनाएंगे, इतना तो आप भी समझ जाएंगे, आप बना चुके होंगे या नहीं बना चुके हैं तो बनाने के लिए कोशिश कीजिए इस तरह से। ये हो गया 40 mm का, पर इसको ज़रूर आप जो है ना रेगमाल से या नहीं तो दीवार पे या मसाला जिस वक्त आप बनाते हैं उसके ऊपर ज़रूर इसको 5-10 मिनट जो इसको प्रेस करते रहें, इस तरह घिसते रहें शुरुआत में फर्मा चालू करने से पहले, तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी स्क्रैच वगैरह होगा सारा साफ़ हो जाएगा, उससे आपको काम करने में सफाई ज़्यादा आएगा। मैं वो चीज़ भी आपको अभी बताऊंगा आगे वीडियो में कि आप इसको सफाई से किस तरह आप प्रेस कर सकते हैं, तो आप इसको पहले समझिए, उसके बाद मैं आगे वाले भी नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं बताऊंगा। तो ये तो आपको 40 mm का हो गया, एक आप ब्लेड रखिए, वीडियो में मैं बता चुका हूँ पहले भी, एक रखिए, इनसे आसानी से, मशीन का भी लाइट नहीं हो तो आप इनसे दो टुकड़े में आसानी से कर सकते हैं। कई लोग जो है इसको लोहे के पाइप में भी बनाते हैं, स्टील या एलुमिनियम जो भी हो उसमें भी बनाते हैं, पर ये PVC का पाइप है प्लम्बर का, उसमें आपको लोहे का बनाने में होगा क्या कि एक तो आपको यहाँ पे लोहे लाना होगा, उसके बाद आपको वेल्डिंग वाले दुकान पे जाके फिर वेल्डिंग करवा के फिर आप बना सकते हैं, लेकिन इसको जो है आप आसानी से दो कील की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, सरल काम है, आसान काम है, ये अपने घर में भी 10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये हो गया आपको। उसमें लोहे में क्या है कि अगर आप जो है थोड़ा ज़्यादा अगर इसको आप घिस देंगे तो उससे होगा क्या, इसमें ज़्यादा धार बन जाता है, धार बनने से अगर आपने मसाले दस्ताना से अगर निकाला, ग्लव्स से निकाला इसको, तो उसमें जो है थोड़े कोने काने से जो है हाथ कटने का डर ज़्यादा होता है। ये प्लास्टिक का, इसमें कटने का कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, तो आप मेरी सलाह यही है कि आप जब भी बनाइए तो PVC और प्लास्टिक के पाइप से ही बनाइए, यही है कि ये कम चलता है वो ज़्यादा चलता है, यही है, लेकिन इससे बनाने में आपको आसान होगा, आसानी होगा, जब चाहे तब बना लीजिए इसको, तो ये आप समझ रहे हैं इसको। और मैं आपको ये मसाले पे ज़रूर फ्रेश करके भी बता दूँ कि इसको कैसे फ्रेश किया जाए, एक रेग मान लाइए, इसको घीस लीजिए धार को, इसको पूरी और अंदर भी साफ़ कर लीजिए, दीवार पे ज़रूर फ्रेश करना, ये चीज़ आप समझ गए। और दूसरा हो गया आपको, दूसरा आपको हो गया वो ये मोल्डिंग वाला हो गया, ये तो रिंग बनाने वाला होगा, पहले भी बताया
कि ये रिंग बनाने वाला है, ये मोल्डिंग बनाने वाला, ये 32 mm का पाइप है, ये बिजली वाला पाइप है जो बिजली के दीवारों में डालते हैं, फिर वायरिंग वगैरह करना हो, तार वायर डालना हो, ज़्यादा तार जाता है तो उसके लिए ही तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें भी लोहे वाला पाइप आता है पर हम लोग लोहे वाला वजन भी ज़्यादा होता है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये ठीक है PVC में, ये ऑलरेडी आपको मार्केट में दुकानों पे मिल जाएंगे, बिजली वाले दुकान पे जाइए आप, वहाँ पे 32 mm का पाइप बोलिए बिजली में, वो भी मिल जाएगा, या PVC में भी अगर आपको 32 mm का मिल जाए तो ले लीजिए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है ये, मतलब इतना कि आप देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ तो ये दब नहीं रहा है ज़्यादा, इतना कि आप काम कर सकते हैं। इसके बीच अगर मसाला फंसेगा तो वो सही से इसको शाइनिंग करेगा, सही से ये फ्रेश होगा। मैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा कि इसको जो है आप दीवार पर और रेग माल लेके जो इसको ज़रूर साफ़ करें, इसका जो नुक्कड़ जो होता है, ये चीज़ को आप साफ़ करने से आपको ये होगा कि सफाई ज़्यादा आएगा। कई बार कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि ये जो है मसाला नहीं छोड़ रहा है, पकड़ ले रहा है, मसाला पकड़ने का एक ये रीज़न भी है कि इस चीज़ को जो ना आप इतना मोटा नहीं, हाफ टुकड़ा करते हैं तो हाफ टुकड़ा नहीं रहने देना, इसको जो है आप थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा दीवार पर घिसना जरूर है, दीवार पर घिस दीजिएगा तो थोड़ी इसकी मोटाई कम हो जाएंगे और ये जो है हाफ से थोड़ा कम रहेगा, ये हाफ टुकड़े से थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप जो इसके ऊपर जो जिस तरह ये देखिए, ये ऑलरेडी और मैंने मोल्डिंग के भी बना चुके हैं, ये जो रहेगा ये पकड़ने वाला, आप इसमें मसाले लगाएंगे तो पूरी ताकत से इसको जो है खींचेंगे तो ये ज़रूर साफ़ आएगा। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप इसको भी किस तरह चलाएं। तो ये चीज़ आप पहले यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में मैं उसको भी समझाऊंगा। तो ये चीज़ जो है आप इसको पूरी तरह से साफ़ करिए और काम कीजिए, ज़रूर आगे जो है मेहनत अगर करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे आप। तो ये चीज़ हो गया, ये समझिए मोल्डिंग का हो गया, 32 mm का पाइप है, बिजली के कामों में आता है, ये PVC वाला पाइप है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे जो है ये कील आप रखिए, मेट खाद इसको बोलते हैं, कील भी सरल भाषा में भी बोलते हैं इसको, जो है लाइए पिन कांटी बोलते हैं इसको, इसको ला के इसमें जो है कम टोपी वाला कांटी हो, ज़्यादा टोपी वाला ठीक नहीं होता, और इसको एक छोटे से हथौड़ी रखने के बाद जो है आप देख लीजिए ज़्यादा बड़ा से आप इसको जो है नीचे लकड़ी रखिएगा और उसके ऊपर इसको देख लीजिए, इसको जो थोड़े अनबैलेंस होने की वजह से ये करेगा आ गया, फट गया, तो आप हिसाब थोड़े अच्छे से, ये वैसे चल पड़ेगा लेकिन थोड़ा कम चलेगा, लेकिन दूसरा मैंने जो लगाया ये देखिए, इसमें मैंने 3 कील लगाए ताकि ये ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो आप इस तरह से बनाइए। आप लोग पूछते रहते हैं बार बार एक ही बात की ये मसाला क्यों नहीं छोड़ता, अगर हम अभी बना चुके हैं इसको, अगर हम इसको हाफ ही रहने देंगे तो ये ऑलरेडी है कि हमारा भी मसाला नहीं छोड़ेगा, ये पकड़े ही रहेगा, तो इसको हाफ से थोड़ा कम कर लेना, इसको हाफ़ से थोड़ा कम कर लेना और इसकी दीवार पे घिसिए, इसको रेग माल से साफ़ कीजिए और चालू करने से पहले फर्मा अगर नहीं बनाते हैं तो इसको मसाले पे जो है 10-15 बार या 5-10 मिनट इसको ज़रूर घिसिए, रगड़ते रहिए, तभी ये शाइनिंग आएगा, तभी ये काम आएगा। और ये कील जो आप लगाते हैं ये इसको अंदर करके ही डालना है, बाहर नहीं रहेगा, नहीं तो इसका भी निशान आपके वो मोल्डिंग के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ हो गया, कोई ज़्यादा सामान इसमें नहीं है, इसको रखिए, ये बना हुआ है, ये विदाउट बना हुआ है, इसमें वो आपको पकड़ने वाला नहीं है जो डंडे होते हैं, बाकी ये चीज़ में भी नहीं है, ये हम आपको टुकड़े करके बताए हैं। ये भी 10 फीट का पाइप मिल जाएगा, 20 फीट का, इसमें भी 10 फीट का मिल जाता है, आप उसको टुकड़े कर लीजिए। हम इसको जो है कोई 8 इंच का बना रखे हैं और इसको हम जो है 6 इंच, 5 इंच, 7 इंच, जैसा आपके को मैच कर जाए कि नहीं हमारे हाथ में ये बैठ जाएगा, सही से काम करने में आसानी होगा, तो उस हिसाब का उस साइज का बनाइए और इतना आप ज़रूर कीजिए। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको चलाना कैसे है मसाले पे, मोल्डिंग कैसे निकालना है, चाहे गोलाई कैसे बनाना है, वो भी आप हम लोग को इनसे बड़े से ही कर लेते हैं। कई बार आपको कंसीट लाइट जैसे होते हैं, कंसीट लाइट का जो साइज़ हो जाता है वो बनाने के लिए दिक्कत हो जाता है, तो उसको बनाने के लिए आप करना क्या है कि एक छोटा भी बना सकते हैं, ये देखिए ये हम छोटे बना चुके हैं, इस साइज़ का भी आप बना के रखें, ये भी कोई है 3 इंच 2 इंच जो साइज़ है आप उस हिसाब से बना लीजिए। वैसे ये जो है 2 इंच का है, 2.5 इंच का, तो इस हिसाब से आपको क्या होगा कि कई बार रिंग बम छोटा लाइटों का बन जाता है, उसमें भी बना लीजिए। तो ये चीज़ हो गया, ये देखिए कई मैं बना के रख चुका हूँ, तो आप इस तरह बनाइए आसानी से, ये देखिए कई फर्मे हैं हमारे पास, तो ये समझ ही गए होंगे बनाने के लिए कोई भारी काम नहीं है। थोड़ा माइक नहीं है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ तो आपको आवाज़ भी हमारा जो है पूरी तरह से जो है नहीं पहुँच पा रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। आगे मैं आपका जो भी वीडियो होगा मैं उसको तसल्ली से आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगा कि आप लोगों को सही से समझ में आए। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारे 40 mm के पाइप का हम कितने बना चुके हैं। पता क्या है कि 2-4 साइटें हमारी चलती है उसमें क्या है ये घिस जाता है, तो हमको बनाना ही पड़ता है बार बार। तो मैं सोचा हूँ कि बनाते बनाते आपको वीडियो में भी बना लूँ और आप लोग भी समझ जाएँ, आप लोग कमेंट करते रहते हैं। मैंने 2 वीडियो पहले भी पीछे भी बना चुका हूँ, मैंने यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, उसको आप लोग देखिए, उसमें भी जानकारी अच्छी तरह से मिलेगा। और मैं आज भी बता दिया हूँ ये कितना अच्छे तरीके से मैं बनाया हूँ इसको, आप भी इस तरह से बनाइए, ये देख लीजिए कितने अच्छे है। पर इसको जो है ना आप पूरे हाफ टुकड़े में नहीं रखना है, हाफ से थोड़ा कम कर लीजिएगा, उससे करने से होगा कि आप सही से इसको शाइनिंग दे सकेंगे।
ये हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये हो गया, ये मैं कहीं बना चुका हूँ, ये अभी बने नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो इस तरह आप बनाइए और कील भी आप उस तरह बना लेंगे। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाने वाला हूँ कि आप जो है इसको मसाले पे जो प्रेस करेंगे बनाएंगे तो वो किस तरह बनाएंगे, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में मैं बताऊँगा ज़रूर। तो ये चीज़ हो गया, ये तो मोल्डिंग वाला हो गया और ये रिंग वाला मोटे गोलाई वाले हो गए। ये 40 में है, फिर से बोल रहा हूँ, ये 32 में। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे करता हूँ समाप्त है।